हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं, जो कार है मर्सिडीज़ की बेंच और मर्सिडीज़, इसके अंदर एक चेक इंजन लाइट आ रहा है, ये वाला। तो इसको डायग्नोस्ट करते, स्कैनिंग करते, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट कोड शो कर रहा है। इसके अंदर ऑन नहीं, मैं इसके अंदर ऑन कर लेता हूँ। और जब भी चेक इंजन लाइट आता है तो इसमें एक और भी लाइट आ जाता है, जो माल फंक्शन का ट्रिगर लाइट रहता है, वो भी आता है। एक बार इसके अंदर ऑन हो जाए फिर देखते फॉल्ट कोड क्या शो कर रहा है। यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे डायग्नोस्टिक के ऊपर, इसके बाद ऑटो स्कैन, ये इसका कार का डिटेल है। यहाँ से हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका डिटेल आ गया कि पेट्रोल गैसोलीन इंजन है, 7 स्पीड, 2009 मैन्युफैक्चर वगैरह। ओके, सिस्टम सिलेक्शन, यहाँ से ड्राइवर मोटर रीड ट्रिपल कोड। हाँ, मिस फायर हैज बीन डिटेक्टेड। और क्या आ रहा है देखो, कि उसमें 3 नंबर सिलेंडर का दिखा रहा है और बहुत सारे फॉल्ट जो है इसके अंदर वो स्टोरेड है। मेरे ख्याल से ये फॉल्ट क्लियर करूँगा तो मैं चला जाएगा, लाइट नहीं आएगा। सिलेंडर 1 और सिलेंडर 3 जो है इसका मिसिंग का मतलब दिखा रहा है, गाड़ी में शायद मिसिंग वगैरह है। ये इसका इंजन है, ये वाला, ठीक है। बट गाड़ी अभी स्टार्ट है, ऐसा मुझे मिसिंग वगैरह कुछ लग नहीं रहा है इसके अंदर, मतलब एकदम गाड़ी स्मूथ है। देख सकते हो कार जो है अभी स्टार्ट है, बट इसमें कुछ मिसिंग वगैरह दिख नहीं रहा है। तो इसको मैं एक बार फॉल्ट क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। फोटो ले लेते हैं यहाँ से, कर देता हूँ मैं एक बार रेड फॉल्ट कोड, एक बार फ़ोटो ले लेते दिखाने के लिए, मतलब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। इसके बाद फॉल्ट क्लियर करता हूँ। ओके, यहाँ से मैं इसको करूँगा बैक, क्लियर डीटीसी। नो फॉल्ट कोड प्रेजेंट आ गया यहाँ पे। कार एक बार बंद करके वापस स्टार्ट करता हूँ, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे अभी लाइट जो है चली जाएगी, ठीक है। चेक इंजन लाइट जो है इसकी देख सकते हो चली गई, और यहाँ पे एक लाइट आती थी जो ट्रिंगल वाली, वो भी नहीं आ रही इसके अंदर। जब भी गाड़ी में कोई इशू रहता है तो ये लाइट शो करता है ट्रिंगल की, चाहे डीजल वीजल कम हो, पेट्रोल वगैरह कम हो, या कुछ भी लाइट वगैरह बंद रहेगी, या कोई भी एरर रहता तो लाइट शो करता है। तो फाइनली देख सकते हो लाइट जो चली गई, वापस रीड करके देखते कोई फॉल्ट दिखा रहा है क्या, ठीक है। नो फॉल्ट कोड, कार बंद करके वापस स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या है। ओके अभी ओके, थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।